What type of the question that has been asked in the Himachal Pradesh Administration Services as well as the groups B and C? Hello students, how's you? I hope you all are well and welcome to the Himachal GK series. So in this series, we are going to discuss about the history of the Himachal district. So in this lecture, we are going to discuss about the history of Una. Before discussing the history of Una, we will observe the what type of the question that has been asked in the Himachal Pradesh Administration Services as well as the Group B and C examination as the Naib Tahsildar. मैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट दैट इज द ऊना. ऑन ऊना लाइज बाउंड्री विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हमीरपुर एज वेल एज द बिलासपुर एंड द कांगड़ा एंड देयर इज इट लाइज विद द स्टेट बाउंड्री ऑफ द पंजाब दैट इज द होशियारपुर. ये तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा के साथ, हमीरपुर के साथ और बिलासपुर के साथ, एज वेल एज दी जो स्टेट बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है, दैट इज दी होशियारपुर के साथ. सो व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द नाइब तहसीलदार 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर्ड द टेरिटरी कुटलेहर प्रिंसली स्टेट विच हैड बीन सीज्ड बाय द राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा. सो दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऊना. डिस्ट्रिक्ट ऊना के रिलेटेड क्या है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. Second question that we have, which of the Kutleher expelled the Sikh from the fort of the Kutwaha during the first Sikh war? So that is the also question related to the Una district. So that you observe, there is a station that is the Una and Daulatpur. So 2022 mein kya tha? We got the first Vande Bharat in the state of Himachal in the October. तो जितने भी आ रहे ऊना, अम्ब, दौलतपुर, वो किस में आते हैं, हमारे ऊना में आते हैं. एंड दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना. नाउ जो ऊना था एट द टाइम ऑफ द एंशियंट टाइम में क्या था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द वन वाज द जसवाहन एंड वन वाज द कुटलेहर स्टेट. कि जो आप प्रेजेंट ऊना देखते हो, दैट वाज डिवाइडेड इनटू द टू, दैट इज द जसवाहन एंड द कुटलेहर. और ये जसवाहन एंड कुटलेहर क्या थे, ये भी एक ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी थी ऑफ कांगड़ा की. कि ये जो अब आप ऊना देख रहे हो, ये वैसे क्या था, कांगड़ा का पार्ट था. और कांगड़ा में ही बहुत सारी प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे राजा थे. तो ये जो जसवान और कुटलेयर थे, ये भी किसके पार्ट थे, कांगड़ा के पार्ट थे. तो उसके बाद हम हिस्ट्री देख लेते हैं. तो एट दैट टाइम ऊना वॉज कॉल्ड एज द जसवान दून. एंड दिस द प्रेजेंट ऊना, जो हम प्रेजेंट ऊना देख रहे हैं, जो प्रेजेंट ऊना है उसको हम क्या कहते हैं, जसवान दून. एंड दिस जसवान दून वॉज रोल्ड रूल्ड बाई द कौन सी फैमिली, दैट इज द कटोच फैमिली. कटोच वंशज थे एंड दैट फ्रॉम द कांगड़ा, कि कांगड़ा के वंशज थे जो कटोच फैमिली थी, उस टाइम पे वो जसवान दून पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी. एंड दैट वॉज अबाउट टू दी 1100 AD में. तो कैपिटल क्या थी, राजपुरा वॉज द कैपिटल नियर दी अम. एंड हु वॉज द राजा एट दैट टाइम, पूरब चंद वॉज द राजा एट दैट टाइम एंड ही इज द डिसेंडेंट ऑफ द कटोच फैमिली. एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मुगल, तो मुगल के टाइम पे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अकबर पीरियड 1556 to 1610, दिस जसवान स्टेट केम अंडर टू द मुगल इन्फ्लुएंस. बिकॉज हम पढ़ रहे हैं अभी जसवान के बारे में, जो नॉर्थन पार्ट था पूरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना का, जो नॉर्दर्न पार्ट था डिस्ट्रिक्ट ऊना का, दैट वाज अंडर द जसवान. और जो ईस्टर्न पार्ट था, दैट वाज अंडर द कुटलेहर. अब जसवान क्या हुआ, 1800 में, 1782-1839, मींस दिस वाज द पीरियड ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह, मींस सिखिज्म का टाइम था उस टाइम पे. सो महाराजा रणजीत सिंह की क्या नीति थी, कि ही वॉन्ट टू एक्सपेंड हिज स्टेट. सो जसवान स्टेट केम अंडर द इन्फ्लुएंस और द डोमिनेंस ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह. नाउ महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, उस टाइम पे जो राजा थे जसवान दून के, उनको उन्होंने असेंबली ऑफ सियालकोट पे इन्विटेशन किया, बट उमेद सिंह रिफ्यूज्ड टू अटेंड द असेंबली ऑफ द सियाल
court. So he unable to attend the assembly of the Sial court. So Maharaja Ranjit Singh imposed a fine on the Umed Singh. Maharaja Ranjit Singh ke upar kya kar diya unhone? Fine imposed kar diya and Umed Singh unable to pay that huge fine. So us time pe Maharaja Ranjit Singh ne unko kaha, please abdicate your throne from the state. And उन्होंने जो स्टेट था वो अपने अंडर ले लिया एंड ही प्रोवाइडेड द ग्रांट ऑफ द 10 रुपीज फॉर द लाइफ टाइम. बट ड्यूरिंग द 1848 ड्यूरिंग द सेकेंड सिख वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जो उमेद सिंह ने दे ज्वाइन द हैंड अगेंस्ट द फाइट फ्रॉम द ब्रिटिशर, कि ब्रिटिशर के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, हंगामा बोल दिया, कि उन्होंने लड़ाई में सिखिज्म के साथ हो गए वो और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया, रिवोल्ट किया. बट अनफॉर्चुनेटली ही एंड हिज सन फेल्ड हो गए उस रिवोल्ट में एंड दे बोथ डिपार्टेड टू दी अल्मोरा. नाउ उसका जो उमेद सिंह के जो क्या थे, ग्रांड सन थे, दैट इज दी राम सरन सिंह इन द ईयर ऑफ द 1879. सो इन द ईयर ऑफ द 1879 सो फॉर हिम रिस्टोर्ड द 21 villages, उनको क्या कर दिए, 21 villages क्या कर दिए, restored कर दिए, as well as the family garden also restored and family garden was at the Amb. Amb में क्या था, family garden था, उनको वो भी क्या कर दिया, restore कर दिया गया. अब क्या है, जो eastern part था ऊना का, जो eastern part था ऊना का जो हम present में देखते हैं, that was under the rule of the Kutlerias. जो part था Kutlerias का part था, मतलब we are talking about the second principality, that is the Kutleher, and that is in the eastern part of the Una. And Kutleher was the smallest principality among the Kangra state. And the jo Kutleher mein tha, 40 generation ne kya kiya, rule kiya. And at that time jo capital thi, that was the capital, that is the court Kutleher. We are talking about the 10th century. And they used the family surname, that is the Jaswal. जसपाल. एंड जो जसपाल थी और उस टाइम पे जो राजा था प्रोजेनिटर था वो क्या था, ब्राह्मीन था, ब्राह्मीन. व्हेन ही बिकम अ राजा सो ही रिकॉग्नाइज्ड एज द राजपूत, कि कोई ब्राह्मीन उस टाइम पे क्या बना, राजा बना. तो राजा ने गद्दी संभाली तो राजा को उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, राजपूत रिकॉग्नाइज किया. अब जो इसके डिसेंडेंट थे, जो ब्राह्मीन के डिसेंडेंट थे, दे वर फ्रॉम दी पूना, दैट्स व्हाई नेम्ड इट एज ऊना. यस. एंड जो भज्जी और कोट स्टेट थे ऑफ शिमला, भज्जी प्रिंसिपैलिटी और कोट स्टेट थे, दैट वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट ऑफ द कुटलेरियास. जो इस ब्राह्मीन के डिसेंडेंट थे, इन्होंने ही मतलब सन और ग्रांड सन ने क्या किया था, फाउंड किया था वज्जी और कोट स्टेट को ऑफ द शिमला. नाउ ड्यू आफ्टर द टाइम अगर टाइम टू टाइम जो है वो ऊना की जो एरिया था वो चेंज होता रहा. तो चौकी हथवाड़ दैट इज इन द बिलासपुर, जिसके ऊपर राजा संसार चंद ने भी क्या किया था, उसके ऊपर फोर्ट बनाया था, छाती फोर्ट, एज वेल एज दी मानखंड दैट इज इन नदौन एंड दी तरहट्टी दैट इज इन दी तलवाड़ा, दैट वाज आल्सो दी पार्ट ऑफ दी ऊना एट दैट टाइम. नाउ यस, फॉर ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ दी मुगल, ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ दी मुगल, सो सानद ग्रांट की गई बाई दी मुगल एम्परर टू दी 10 लोकल रूरल्स को एज दी राय. अब सानद क्या होती है, सानद वो होती है कि जो मुगल कहेंगे वो आपको सब करना पड़ेगा, मीन्स आपको लोगों के भले के लिए भी काम करना पड़ेगा. जैसे मुगल एम्परर आपको कहेगा एज वेल एज दी कि आप हमें पैसा भी दोगे, एज आप हम आपको सेवाएं देंगे और आप हमें पैसे दोगे, लाइक ये वाला सिस्टम था. अब चौकी हथवाड़ जो थी, चौकी हथवाड़ जो बिलासपुर के नियर है, दैट वॉज एनेक्स्ड बाई दी राजा घमंड चंद. राजा घमंड चंद वॉज द राजा ऑफ दी कांगड़ा स्टेट एंड राजा घमंड चंद को क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था. गवर्नर किसने बनाया था,
अहमद शाह दुरानी ने इन द ईयर ऑफ दी 1758। अहमद शाह दुरानी कौन थे? मॉडर्न डे अफगानिस्तान के फाउंडर थे, अफगानिस्तान के फाउंडर थे। अब जो कुटलेहर थी इन द ईयर ऑफ 1809, इट वॉज द पार्ट ऑफ द सिख, बट इन द ईयर ऑफ द 1825 दिस वॉज एनेक्स्ड बाय द राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह का पीरियड था 1772-1839, बट दिस वॉज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द अमर सिंह थापा, कि जो कुटलेहर जो एनेक्स्ट किया गया था बाय राजा रणजीत सिंह के टाइम पे, तो इस जो रिस्टोर कर दिया गया अमर सिंह थापा के, अमर सिंह थापा वॉज द गोरखा लीडर जिसको महान चंद ऑफ बिलासपुर ने बुलाया था। अब देर इज अ राजा ऑफ द कुटलेहर, राजा नारायण, राजा नारायण स्टूड लाइक अ पिलर, ही एक्सपेल्ड द सिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर, बट ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर राजा रणजीत सिंह सेड दैट ओके आई विल ग्रांट यू 10,000 सानद एंड प्लीज आप मुझे कोटवाहा फोर्ट हैंड ओवर कर दीजिए। सो ही हैंड ओवर द कोटवाहा फोर्ट टू द राजा रणजीत सिंह एंड इन एक्सचेंज ही गॉट द 10,000 सानद ग्रांट। अब जो लास्ट राजा था ऑफ कुटलेहर, दैट इज द ब्रिज मोहन पाल, एंड दैट वॉज द टाइम ऑफ द 1928-1937, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ही वॉज द वाइस रॉयल रीगल दरबारी ऑफ द कांगड़ा। जो कांगड़ा का क्या था, ये फिफ्थ वाइस रॉयल रीगल दरबारी था। हमें नहीं याद रखना है किसकी शादी किससे हुई, दैट इज ऑल्सो मैंशन इन दी दैट इज ब्लोकड़ा, बट हमें मेन याद रखना है कि जो ब्रिज मोहन थे वो क्या थे, फिफ्थ वाइसराय रीगल थे, दरबारी थे किसके, कांगड़ा के दरबारी थे। अब जो महेंद्रपाल थे, जो महेंद्रपाल वाज अ सक्सेसर एंड इन द ईयर ऑफ 1937-1948, सो ही वाज द राजा ऑफ द कुटलेहर एट द टाइम एंड ही आल्सो फाउट द विधानसभा इलेक्शन भी उन्होंने फाउट किए, बट ही फेल्ड और हार गए फ्रॉम द फ्यू मार्जिन से वो हार गए। नाउ द थिंग दैट यू सी प्रेजेंट डे ऊना, जो प्रेजेंट डे ऊना आप देख रहे हो, प्रेजेंट डे ऊना टिल 1966 इट वॉज द पार्ट ऑफ द होशियारपुर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या था, ये पार्ट था, एंड ऊना क्या थी, एक तहसील थी। तो ऊना क्या थी, एक तहसील थी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की। आफ्टर द 1966 इट वॉज द पार्ट ऑफ द कांगड़ा, कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही क्या था, पार्ट था, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्ट के अंदर हमारे पास आते थे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर एंड वन मोर देयर इज अ यस। सो आफ्टर इन द ईयर ऑफ द 1972 ऊना मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, जो ऊना था उसको क्या बना दिया गया, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऊना, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द जीके वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द ऊना, इकोनॉमी एज वेल एज द जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में बस मैं एक रिवर की बात करूंगी, तो जो मेन रिवर है, जो लाइफ लाइन है ऊना की, दैट वॉज दी स्वान रिवर। स्वान रिवर कहाँ जाके मिल जाती है, दैट इज इन दी सतलुज। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी रिवर है वो भी हम छोटी मोटी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।